नमस्कार एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। पाकिस्तान के रावलपिंडी में कॉल सेंटर चौक पर बम विस्फोट, धमाके में एक शख्स की मौत, 15 लोग घायल, पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट ने घटनास्थल को किया सील। काबुल के शेरशाह सूरी मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आईईडी ब्लास्ट, ब्लास्ट में इमाम सहित 4 लोगों की मौत, 2 जून को भी काबुल के डाउनटाउन में मस्जिद में हुआ था विस्फोट। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में 8.22 अरब डॉलर की वृद्धि, पहली बार 500 अरब डॉलर के पार विदेशी मुद्रा भंडार, कच्चे तेल की डिमांड की कमी के कारण हुई वृद्धि। भारत में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सदस्यों को वीजा देने से किया इनकार, आयोग के सदस्य धार्मिक आजादी का आकलन करने के लिए करना चाहते थे दौरा, भारत ने कहा विदेशी एजेंसी को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का मूल्यांकन करने का नहीं है। भारत नेपाल सीमा पर फायरिंग के दौरान हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिक को नेपाल ने किया रिहा, भारत नेपाल के बीच जारी तनाव के दौरान शुक्रवार को सीमा पर हुई एक फायरिंग में एक शख्स की मौत, 4 लोग हुए थे घायल। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, अब तक 77 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो वहीं 4,28,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, वहीं 39 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार, अब तक 8,800 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत, तो वहीं 1,54,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित, आंकड़ा 3 लाख के पार, दुनिया भर में कोरोना से बुरी तरह प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत टॉप 4 में शामिल। कोरोना की चपेट में सुरक्षा बल, कुलगाम में सीआरपीएफ के 31 जवान संक्रमित, सीआरपीएफ की 90 बटालियन में 300 से ज्यादा जवानों का हुआ था कोरोना टेस्ट। पंजाब में फिर से होगा लॉकडाउन, बढ़ते केस को देखते हुए राज्य में फिर होगा लॉकडाउन, सरकार ने वीकेंड और छुट्टी वाले दिन संपूर्ण लॉकडाउन का किया ऐलान, चंडीगढ़ में इंटरस्टेट बस सर्विस भी बंद। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का बड़ा ग्राफ, आज 118 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए सामने, प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 12,186, कोरोना से अब तक 275 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना के खिलाफ एकजुट हुआ देश, राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन से रवाना किए हाइजीन किट, जनजातीय क्षेत्रों में होगा वितरण, पेटीएम ने दिया जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपना योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 जून को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 चरणों में होगी बैठक, पीएम मोदी अनलॉक 1 के पहले चरण के खत्म होने से पहले करेंगे चर्चा, 16 जून को 21 और 17 जून को 15 मुख्यमंत्रियों से पीएम करेंगे संवाद। यूपी में किसानों की खुदकुशी पर बोली प्रियंका गांधी, सीएम की मैपिंग में इनकी जगह ने, युवाओं के लिए की गई तमाम घोषणाएं कोरी साबित। गृह मंत्रालय ने रात्रि कर्फ्यू को लेकर दिए निर्देश जारी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए निर्देश, रात्रि कर्फ्यू में अंतर्राज्यीय बसेस और ट्रकों का ना रोके राज्य। मध्य प्रदेश में पूर्व भाजपा विधायक सुदर्शन गुप्ता पर भीड़ जुटाकर राशन बांटने के मामले में केस दर्ज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जन्मदिन पर जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित करने का किया था कार्यक्रम आयोजित, कांग्रेस की शिकायत के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक समेत अन्य लोगों के खिलाफ लिया एक्शन। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल में दस्तक देने के बाद जल्द ही मॉनसून के बिहार पहुंचने की उम्मीद, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भारी बारिश की जताई संभावना। भारत के सबसे उम्रदराज प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वसंत राय जी का निधन, 100 वर्ष की उम्र में वसंत राय जी दुनिया को कह चुके हैं अलविदा, 26 जनवरी को ही वसंत राय जी ने किया था जिंदगी का शतक पूरा। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी का 28वां जन्मदिन आज, एक्टर टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी को इंस्टाग्राम पर उन्होंने किया बर्थडे विश, वीडियो के कैप्शन में टाइगर ने लिखा 3 वॉफल्स और 3 पैनकेक के बाद मिलेंगे, हैप्पी बर्थडे रॉकस्टार। पेट्रोल डीजल के भावों में लगातार 7वें दिन तेजी, पेट्रोल 62 पैसे की वृद्धि के साथ प्रति लीटर 81.96 रुपए, डीजल 57 पैसे की वृद्धि के साथ प्रति लीटर 74.29 रुपए हुआ, 7 दिन में पेट्रोल 4.16 रुपए, डीजल 3.94 रुपए प्रति लीटर महंगा, कोरोना के संकट के बीच फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि। तिरुपति बालाजी के मंदिर में 80 दिन के बाद धनवर्ष, 8 जून से मंदिर खुलते ही 3 दिन में कर्मचारियों ने चढ़ाए 65 लाख रुपए से ज्यादा, पहले ही दिन भक्तों ने दिया 43 लाख रुपए का दान, तिरुपति बालाजी मंदिर में 4थे दिन दान का आंकड़ा 1.25 करोड़ के पास।
अप्रैल में देश के औद्योगिक उद्यान में रिकॉर्ड 55.5% की गिरावट दर्ज। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में 64.3% की गिरावट। खनन क्षेत्र का उत्पादन 27.4% और उत्पादन बिजली का जो है वो 22.6% गिरा। तो वही एनएसओ ने कहा अप्रैल के आंकड़े की तुलना पिछले महीनों के साथ नहीं की जा सकती। पुलवामा और कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। सभी आतंकवादियों की नहीं हुई है पहचान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज डालेगी मजदूरों के खाते में पैसा। हर मजदूर के खाते में डालेगी 1,000 रूपए। करीब 10,48,166 मजदूरों के खाते में डाला जाएगा पैसा। मध्य प्रदेश के श्योपुर के SBI बैंक में गिरवी रखा 6.90 करोड़ का सोना गायब। बैंक के रोकड़ इंचार्ज और लेखापाल पर गहराया शक। दोनों को किया सस्पेंड। तिजोरी के आसपास नहीं मिले टूट-फूट के निशान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छेड़खानी का केस वापस नहीं लेने पर किशोरी की हत्या के बाद युवक फरार। हत्या के बाद फोन पर बुआ को दी मर्डर की सूचना। 20 दिन पहले ही किशोरी के पिता को केस वापस लेने की धमकी। यूपी के बदायूं में पुलिस ने किया मर्डर केस को भी अनदेखा। न्याय के लिए दर दर भटक रहा है पीड़ित परिवार। 1 महीने बाद भी दर्ज नहीं हुई कोई रिपोर्ट। तो वहीं पीड़ित पक्ष ने सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी। विधायकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। सीएम अशोक गहलोत सहित पार्टी के दिग्गज नेता साथ पहुंचे। अलवर के बानसूर में कोरोना का कहर जारी। दिल्ली से लौटे युवक में कोरोना पुष्टि। युवक के पूरे परिवार को किया क्वारंटीन। तो वहीं सर्वे कार्य में जुटी स्वास्थ्य विभाग की। कुचामन सिटी 1 महीने के बच्चे ने जीती कोरोना की जंग। मासूम कार्तिक को किया कोविड सेंटर से डिस्चार्ज। SMS अस्पताल में गिरी फॉर सीलिंग। धनवंतरी OPD में गिरी फॉर सीलिंग। मरीज कम होने के चलते चला बड़ा हादसा। कोरोना से लड़ाई में रेलवे की अनोखी मुहिम। रेलवे ने किया रोबोटिक कैप्टन अर्जुन लॉन्च। अब रोबोट करेगा यात्रियों की स्क्रीनिंग। असामाजिक तत्वों पर भी रखी जा सकेगी नजर। खिस्सर पुलिस थाने के क्वार्टर में शराब पार्टी। विधायक नारायण बेनीवाल ने किया औचक निरीक्षण। मौके से फरार हुए शराब पार्टी करने वाले पुलिसकर्मी। विधायक बेनीवाल ने जताई नाराजगी। भिलवाड़ा के बिजौलिया स्थित गेखेड़ा गांव में दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 1 की मौत 3 घायल। सीकर के फतेहपुर में 3 नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली सेतु बनकर तैयार। 15 दिन पहले आमजन के लिए किया था शुरू। आए दिन हो रहे हादसों पर लगेगी लगाम। सवाईमाधोपुर के मलांडरा डूंगर में दबाली के साथ में दुष्कर्म। अब वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है आरोपी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाड़मेर में दुष्कर्म के आरोपी ने बनाया राजीनामे का दबाव। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित परिवार ने की सुरक्षा की मांग। सरकार और अधिकारियों के लिए सरदर्द बना टिड्डी दल। बाड़मेर में अब ड्रोन से होगा टिड्डियों पर हवाई हमला। कृषि आयुक्त ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में ली बैठक। बैठक में किसानों से टिड्डी नियंत्रण के लिए मांगे सुझाव। बीकानेर में महसूस हुए भूकंप के झटके। 4.3 रहे रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता। सुबह करीब 10:30 बजे काफी धटकी। अलवर में कीटनाशक पीने से विवाहिता की मौत। गृह कलेश के चलते पिया कीटनाशक। पीहर पक्ष ने लगाए दामाद पर संगीन आरोप। राजधानी जयपुर में बाइक चोरों का आतंक। बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 13 पावर बाइक की बराबर। झुंझुनू के पिलानी में चोरों का आतंक। बेखौफ चोरों ने ATM और गारमेंट की दुकान को बनाया निशाना। नकदी और महंगे कपड़ों पर किया हाथ साफ। तो वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस। झुंझुनू के बुहाना में विद्युत विजिलेंस टीम की कार्रवाई। ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली चोरी के मामले में 7 लोगों पर की कार्रवाई। 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में CPIM के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 6 माह के बिजली बिल माफ करने की मांग। हनुमानगढ़ के रावतसर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम करने का विरोध। बैठक में राज्य सरकार के फैसले का किया विरोध। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अजमेर में सुनार की दुकान पर हुई चोरी की वारदात। नौकर ने ही की सोने की 12 चेन चोरी। तो पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। भीलवाड़ा के मांडल कस्बे के भादु गांव में वृद्धा का कुएं में शव मिलने से फैली सनसनी। शुक्रवार शाम से ही थी लापता। मानसिक संतुलन खराब होने के कारण कुएं में गिरने की बात आ रही है सामने। लॉकडाउन के नियमों की अवहेला करने वालों के खिलाफ जयपुर नगर निगम सख्त। मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वालों के काटे चालान। सेंट्रल पार्क और SMS अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर पर काटे चालान। बूंदी के बरड़ और जाबी क्षेत्रों में अवैध खनन जारी। कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। अधिकारी कर्मचारियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। जालौर के चिदलवाड़ा में शिक्षकों में गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने का आक्रोश।
मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन, गैर शैक्षिक कार्य से मुक्त करवाने की मांग। बाड़मेर के पतमेड़ा गौ अस्पताल में सुविधा का विस्तार, दुर्घटना में घायल गायों के लिए बनाया आईसीयू वार्ड, गायों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए लगाए कूलर। जयपुर के बस्ती में कोरोना संकट काल में सरकार ने मजदूरों को दिया मनरेगा में काम, अतिक्रमण के चलते बैरंग लौटे श्रमिक, मामले को लेकर बस्ती एसडीएम और बीडीओ ने किया दौरा, लोगों से रास्ता चालू करवाने के लिए किया आग्रह। राजधानी के कोटपुतली में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत, तो क्षेत्र के किसानों के खिले चेहरे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।